हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल गिव फंक्शनैलिटी टू आर स्लीप टाइमर और ऐप क्लोजिंग टाइमर। सो सबसे पहले मैं अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं कोई वीडियो प्ले करूँगा जिससे मैं आपको इस फीचर के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन बटन एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस स्पीड टाइमर एंड यहाँ पे एक डायलॉग शो हो रहा है जिसके अंदर माइनस एंड प्लस के बटन, माइनस डजेंट वर्क राइट नाउ। सो अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो टाइमर इंक्रीज हो रहा है एंड ओके, मैक्सिमम टाइमर 120 का, एंड अगर मैं ओके करूँ तो टाइमर बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। सो हम लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं वापस एप्लीकेशन पे क्लिक करके। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन बटन एंड स्लीप टाइमर, सो टाइमर ऑलरेडी रनिंग। ओके सो ऑल राइट, सो मैं 120 मिनट्स वेट नहीं करने वाला जब तक टाइमर एप्लीकेशन को क्लोज कर ले। हम लोग इस फीचर को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे, उस समय हम लोग टेस्ट भी कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो हम हमारे टाइमर के लिए भी ये हमारा जो स्पीड डायलॉग है इसी का यूज़ करने वाले हैं, दिस स्पीड वाला डायलॉग। ओके, हमें एक न्यू डायलॉग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू मोर फीचर्स एंड यहाँ पे हम लोग हमारे टाइमर को एक आईडी प्रोवाइड कर देते। सो दिस वन स्लीप टाइमर and just give an id to it, so id and sleep timer, and now let's move to player activity and यहाँ पर मैं एक timer का companion object create करने वाला हूँ। so private where timer and which will be of type timer and वो जो है null भी हो सकता है, so for that I have specified a question mark here just to mention that it can be null, and after that just move below and just here. So last time हमने speed button के साथ work किया था, so मैं इसे just इन codes को यहाँ से copy करने वाला हूँ and just paste it below, and हम इन्हीं codes का use करेंगे हमारे speed timer के लिए भी या sleep timer के लिए भी। so just remove the speed button and use sleep timer, एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज करूँगा। सो यहाँ पे मैं टाइम शो कराना चाहूँगा, सो स्लीप टाइम। सो एक्चुअली हमने ऐसा कोई वेरिएबल बनाया नहीं है एंड ये एक्चुअली मिन में होगा। सो यहाँ पे एक वेरिएबल में बना होगा जब ये डायलॉग क्रिएट होगा, वैल स्लीप टाइम इज इक्वल टू 15 एंड एक इंटीजर है एंड दिस मिन, एंड जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट एंड पेस्ट इट हियर टू, एंड यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर दो एंड जस्ट रिमूव दिस चेंज स्पीड फ्रॉम हियर, एंड जब प्लस बटन पे क्लिक हो जस्ट इंक्रीमेंट स्लीप टाइम प्लस इक्वल टू 15 एंड यहाँ पे स्लीप टाइम प्लस या माइनस इक्वल टू 15 एंड आई वांट टू चेक वन कंडीशन हियर, इफ स्लीप टाइम is less than 120 then only। so आप अपने हिसाब से कितना भी time रख सकते हो, I am just setting 120 minutes which is 2 hours, I think उतना बहुत होता है sleep timer या app closing timer की functionality, and यहाँ पर कुछ error है, so change to where, okay, and after that if sleep time is greater than 15 then only it should change, एंड एक्चुअली मैंने कोड्स उल्टे लिखे हैं, यहाँ पे 15 होना चाहिए एंड यहाँ पे 120 होना चाहिए। ओके एंड इससे हमारा टाइमर आगे पीछे हो जाएगा, बट हमें अब टाइमर को सेट करना है। सो फॉर दैट मैं ये पॉजिटिव बटन पे जब क्लिक होगा तब टाइमर सेट करना चाहूँगा। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइमर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। सो टाइमर इज इक्वल टू टाइमर, ओके एंड नाउ इस टाइमर के लिए हमें एक टास्क बनाना पड़ेगा। सो ये टाइमर जो है एक टास्क लेता है एंड हम उसे बताएंगे कि टास्क कितने टाइम बाद चलना चाहिए। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट हियर अ टास्क, सो वैल टास्क इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें उसका ऑब्जेक्ट पास करना है, सो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कोलन टाइमर टास्क एंड इनसाइड दिस वी नीड टू स्पेसिफाई अ टास्क, सो जस्ट यूज कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे एक एरर है, सो इम्प्लीमेंट मेंबर्स, सो हमें इस रन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें क्या कोड्स एग्जीक्यूट कराने।
सो यहाँ पे हमें एक्चुअली ऐप क्लोजिंग के कोड लिखने हैं. सो सिंपली यू कैन राइट एग्जिट प्रोसेस एंड पास वन हीयर, विच मीन्स हम चाहते हैं कि वो क्लोज हो. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डू इट हीयर, मूव टू बैक स्टैक एंड जस्ट ट्रू. सो यू माइट वंडर वॉट दिस मूव टू बैक स्टैक डू. सो ये जो मूव टू बैक स्टैक, अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे एंड अगर आप डायरेक्टली क्लोज करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी. एंड अगर आप ये स्पेसिफाई करोगे एंड फिर क्लोज करोगे तो एप्लीकेशन कम्प्लीटली क्लोज होती है. सो दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस मूव टू बैक स्टैक. सो नाउ वी नीड टू इनिशलाइज दिस टास्क इन टू आर टाइमर. सो हियर टाइमर एंड दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जस्ट टू शो इट्स नॉट नल एंड शेड्यूल. And inside it, first pass this task, comma. अब हमें यहाँ पे time specify करना पड़ेगा जिसमें हम इस sleep timer को close करना चाहते हैं. For now testing purpose, I'm gonna specify sleep time into 100. Since ये जो delay है milliseconds में है, इसलिए मैंने इसे 1000 से multiply किया है. And just too long, इसमें हमें लॉन्ग में पास करना पड़ेगा. एंड नाउ हमारे टाइमर की फंक्शनैलिटी हो चुकी है. सो ऐसा भी हो सकता है कि टाइमर ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड उसके बाद यूजर इस टाइमर पे क्लिक करता है. सो इन दैट केस हमें यूजर को एक मैसेज शो कराना है कि टाइमर इज ऑलरेडी रनिंग. सो फॉर दैट आई एम गोना कट दिस कोड्स फ्रॉम हियर. जस्ट कट इट एंड हियर आई विल चेक अ कंडीशन फर्स्ट एंड जस्ट रिमूव दिस प्ले वीडियो बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू प्ले वीडियो हियर. एंड यहाँ पे If timer is not equal to null, which means timer already initialized, in that case simply show a toast message dot make text and just pass context here and here that message. So timer already running and backslash n and simply close app reset टाइमर. सो ये मैंने मैसेज रखा है आफ्टर टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट एंड डॉट शो. ओके एंड एल्स. सो एल्स ब्लॉक हियर एंड जस्ट पेस्ट दोस कोड्स हियर. एंड यहाँ पे जब ये बटन क्लिक हो सो आई वॉन्ट टू प्ले वीडियो. सो प्ले वीडियो एंड नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक आर टाइमर्स फंक्शनैलिटी. So finally, Gradle is built and application is installed and let's play any video and just click on this application button and sleep timer and हमारा timer show हो रहा है. And अगर मैं ओके पे क्लिक करूँ and since हमने time कम सेट किया है तो ये जल्दी से ऑफ हो जाना चाहिए. लेट्स से तब तक हम लोग sleep timer की functionality sleep timer पे क्लिक करूँ. So timer already running ऐसा show हो रहा है. And actually I hope अब 15 seconds होने ही वाले होंगे. So हमारा player जल्दी से close हो जाएगा. सो थोड़ा सा वेट करते हैं. प्लेयर क्लोज हो चुका है विच मीन्स आर स्लीप टाइमर परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है. सो नाउ जो टाइम है उसे सेकेंड से मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं. सो सिंपली स्लीप टाइम इनटू 60 इनटू 1000. सो ये ऊपर की लाइंस है, ये जो 60 एंड 1000 वाला पोर्शन, इसका मतलब होता है 1 मिनट. सो जितने भी मिनट्स हो गए वो 1 मिनट से मल्टीप्लाई, अगर 15 है तो 15 मिनट्स तक टाइमर चलना चाहिए. एंड यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल रहा हूँ इन डॉट्स की जगह पे. सो जस्ट ऐड एक्सक्लेमेशन जस्ट बिकॉज ये अच्छे लगते हैं, उससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है. एंड नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट अगेन. सो ऐप इज़ इंस्टॉल एंड लेट्स प्ले एनी वीडियो एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन बटन एंड दिस स्लीप टाइमर. एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन प्लस, ओके प्लस इज नॉट वर्किंग विच मीन्स ड्यूरेशन चेंज नहीं हो रही प्लस या माइनस क्लिक करने पे. सो लेट्स सी ये क्यों हो रहा है. सो हमारे कोड्स में आते नीचे एंड ओके. एक्चुअली यहाँ पे जो हमने ये लेस देन एंड ये जो ग्रेटर देन के सिंबल से इन्हें उल्टे लिखे. ओके सो हमें इन्हें सीधे करने. सो जस्ट चेंज दिस लेस देन टू ग्रेटर देन एंड दिस ग्रेटर देन टू लेस देन. एंड नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट वंस अगेन. सो इट्स थर्ड टाइम. सो अगेन ऐप इज इंस्टॉल्ड एंड लेट्स प्ले एनी वीडियो. Quickly application button and sleep timer and just click on this plus. Okay, it's working and minus is also working and maximum duration check kar lete. So it's 120 minutes. So if you want you can change this maximum duration. So our sleep timer's functionality is working perfectly fine. So I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.